पाई नेटवर्क न्यू अपडेट ब्रेकिंग न्यूज। पाई फाउंडर डॉक्टर निकोलस एक्सपेक्ट टू लॉन्च पाई मिनट रोड मैप क्वार्टर वन इन माइंड अक्टूबर फॉलो बाय क्वार्टर सेकंड एंड क्वार्टर फोर। द ऑटोमेटिकली ऑफ दिस मैसेज हैज बीन वेरीफाई। जैसा कि यहां पर आप देखेंगे तो डॉक्टर निकोलस के द्वारा ये यहां पर मैसेज है वो जारी किया गया और एक तरीके से ये ऑफिशियली मैसेज है। पाई नेटवर्क का रोड मैप है वो किस तरीके का होगा वो भी हम इस वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। जैसा कि यहां पर आप देखेंगे ओपन मिनट लॉन्च को लेकर हो गया, पाई नेटवर्क की एक्सचेंज लिस्टिंग को लेकर हो गया और प्लस यहां पर हम केवाईसी को लेकर भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी यहां पर आप इस अनाउंसमेंट के अंदर देखेंगे तो पाई न्यूज के ऊपर भी यहां पर लगभग 18 घंटे पहले का ट्वीट किया गया और इसी के साथ है यहां पर आप इसके अंदर देखेंगे तो भी डॉक्टर निकोलस का हम लोगों को अपडेट है वो देखने को मिलता है। इससे पहले हमारे सामने यहां पर रोड मैप को लेकर अपडेट आई थी और मैंने पहले वीडियो बनाकर जानकारी प्रोवाइड कराई थी। फाइनली यहां पर रोड मैप की अपडेट है वो कन्फर्म हो चुकी है और बहुत ही जल्द है पाई नेटवर्क का रोड मैप है आप लोगों को यहाँ पर अक्टूबर के अंदर है वो देखने को मिल जाएगा क्वार्टर यहाँ पर सेकंड से क्वार्टर फोर के आसपास। चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर झलक बताते कि किस प्रकार का रोड मैप हो सकता है। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर इस रोड मैप का एक्सेप्ट कर पा रहे कि इस तरीके का पाई नेटवर्क का रोड मैप है वो हो सकता है और केवाईसी को लेकर जो गंभीर विषय इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि पाई नेटवर्क की ओपन मिनट का जो लोग इंतजार कर रहे हैं तो उस रोड मैप के अंदर सारा कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन केवाईसी को लेकर भी हमें बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि केवाईसी करे बिना आप लोगों के पाई कौन है वो वॉलेट के अंदर नहीं आएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर रोड मैप है वो देखने को मिलेगा जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पाई नेटवर्क मिनट लॉन्च को लेकर कुछ अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेगा। हो सकता है 2024 यहाँ पर मार्च के अंदर पाई नेटवर्क ओपन मिनट लॉन्चिंग है हो सकती है क्योंकि एक तरीके से कन्फर्म अपडेट भी हो सकती है क्योंकि पाई नेटवर्क यहाँ पर एक तरीके से 14 मार्च को यहाँ पर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट है हमारे सामने लाती है और अगला जो इनका बड़ा अनाउंसमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है मार्च 2024 के अंदर। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे पाई नेटवर्क ऐप की बात करेंगे तो अधिकांश यहाँ पर पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर डेवलपमेंट हो चुका है जैसा कि पाई चैनल हो गया, पाई हब हो गया, पाई बैंक हो गया, पाई यूटिलिटी को बिल्ड करने के इतने सारे प्रोजेक्ट वो बिल्ड हो चुके हैं पाई P2P को लेकर, पाई पेमेंट को लेकर, पाई NFT को लेकर। मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई इतने सारे प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर ऑलरेडी यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पर जो पाई नेटवर्क का लॉकअप सिस्टम है प्लस यहाँ पर स्टेकिंग वाला सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जैसा कि जिन लोगों ने पाई नेटवर्क को 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लॉक करके रखा तो उसी हिसाब से कुछ यहाँ पर स्टेकिंग वाला फंक्शन भी देखने को मिलेगा जहां से आप लोगों को कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये वाला भी फीचर वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है लॉकअप के अतिरिक्त। अब बात करेंगे एक्शन लिस्टिंग को लेकर बात आ जाती है तो सबसे पहले जैसा कि अभी अनक्लोज मिनट है और अनक्लोज मिनट के अंदर ओनली फॉर पाई कॉइन की ब्लॉकचेन पर काम चल रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास है पाई कॉइन सेंड कर सकता है दोनों की केवाईसी हो तो, लेकिन यहाँ पर है पाई नेटवर्क अदर ब्लॉकचेन को भी कनेक्ट करेगी जैसा कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, BNB हो गया, जितने भी यहाँ पर सोलाना हो गया उस ब्लॉकचेन के साथ भी कनेक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग एक्सचेंज और अलग अलग पेयर के साथ भी पाई नेटवर्क की लिस्टिंग है हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि ओपन मिनट का एक्सेप्ट डेट है जो कि यहाँ पर 2024 के अंदर, तो उसी से पहले पहले केवाईसी को लेकर भी आपको अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन के साथ है अलग अलग यहाँ पर बिल्डअप भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसा कि ये अपडेट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है ये एक तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इस प्रकार का पाई नेटवर्क का रोड मैप है वो हो सकता है। लेकिन रोड मैप से पहले हमें यह जानना होगा पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को लेकर रोड मैप कन्फर्म हो चुका है। इसी के साथ है एक और अपडेट है आज ही के दिन के यहाँ पर 19 घंटे पहले पाई नेटवर्क के द्वारा ट्वीट किया ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है यहाँ पर आप लोगों स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर एक तरीके से रिस्टोर ओपन हो रहा है। जैसा कि लोकल बिजनेस जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया था उसके अंदर भी समझाया था जो पाई नेटवर्क का सर्वे वाले के अंदर जैसा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ है पाई उनका P2P ट्रांजेक्शन कर सकता है या पाई उनकी डिमांड के हिसाब से कुछ यहाँ पर
प्रोडक्ट को सेल या बाय भी कर सकता है पाईकॉन का पेमेंट करके। जैसा कि यहाँ पर है पायलट 2 के द्वारा भी इसको ट्वीट किया गया, और यहाँ पर आप देखेंगे बिजनेस को लेकर लोकल यहाँ पर पायलट 2 का यूज है वो कैसे समय बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर है सवाल आ चुका है मिनट लॉन्च को लेकर क्या गुड न्यूज है, उससे पहले केवाईसी करना जरूरी होगा, क्योंकि भाई मिनट की बात करेंगे यदि रोड मैप के अंदर है, हमें यहाँ पर 2024 के अंदर मार्च के अंदर पायलट 2 का मिनट वाला रोड मैप आ जाएगा, तो इससे पहले पहले पायलट 2 की केवाईसी करना बहुत ही जरूरी होगा। क्योंकि भाई साहब अभी हम बात करेंगे तो पायलट 2 के अंदर लगभग 5 मिलियन से ज्यादा लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो पाई है, और केवाईसी को लेकर अच्छा हम लोगों को एक तरीके से 100% है वो केवाईसी को ओपन किया जा सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर है मिनट से पहले सबसे ज्यादा पायलट 2 के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो केवाईसी, एक बहुत बड़ी चुनौती है पायकोर टीम के लिए। क्योंकि अभी तक यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिनकी केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं मिला, कुछ लोगों को यहाँ पर जो एक तरीके से पायलट 2 के अंदर 6 स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, उनकी केवाईसी पेंडिंग में जा चुकी है, किसी का माइग्रेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो सारे कुछ है आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वही गुड न्यूज है कि रोड मैप आ चुका है, रोड मैप यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, तो बहुत ही जल्द है ये रोड मैप भी यहाँ पर लाइव हो जाएगा, और उस रोड मैप के अंदर जो मिनट को लेकर अपडेट होगी उससे पहले पहले केवाईसी भी हमें देखने को मिलेगा। रोड मैप आ जाता तो भाई बहुत ही गुड न्यूज है, जिनको केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं मिला या जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ, सारा का सारा क्लियर कट है यहाँ पर लॉन्च होने से पहले पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो किया जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम है उसको अंदर भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो भाई अच्छी खबर है, और आप लोगों को बता दूं अगेन के द्वारा जब भी अपडेट होगी कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको वीडियो मिल जाएगा, और हमारा इंतजार है ये बहुत ही जल्द समाप्त होगा, क्योंकि पाई कोर टीम को भी पता है कि हम यहाँ पर 3-4 साल से पायलट 2 की माइनिंग करते हैं, तो अब यहाँ पर पायलट 2 को एक बुल रन के अंदर लॉन्च कर देना चाहिए, और 2024 के अंदर पायलट 2 के साथ साथ अन्य क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हमें बुल रन वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2024 के अंदर बिटकॉइन की हमें हालविंग देखने को मिलेगी एक तरीके से, यहाँ पर पायलट 2 की भी आप लोगों को पता कि हर महीने हालविंग होती है, और रेफर टीम सर्कल के हिसाब से यहाँ पर पायकॉइन की माइनिंग को एक तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो इसी प्रकार से 2024 के अंदर ही यहाँ पर बिटकॉइन की हमें हालविंग देखने को मिलेगी, बिटकॉइन के साथ साथ अन्य क्रिप्टो करेंसी की भी हम लोगों को एक पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 के अंदर एक बुल रन है हमें देखने को मिलेगा, और उसी के अंदर पायलट 2 की हमें लॉन्चिंग होता हुआ देखने को मिल सकता है, और जिस प्रकार का हमारे सामने रोड मैप आ रहा है तो बहुत ही जल्द है केवाईसी वगैरह प्लस यहाँ पर पेंडिंग वगैरह जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और पायलट 2 के सॉफ्टवेयर के अंदर सभी के लिए केवाईसी भी ओपन किया जा सकता है, क्योंकि रोड मैप आ जाएगा तो उस रोड मैप से पहले पहले केवाईसी करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। और आपका कुछ भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाईकॉइन की प्राइस के बारे में, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।